बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म मणिकर्णिका को लेकर लाइमलाइट में बनी हुई हैं। एक बार फिर कंगना ने दिल खोलकर अपनी बात मीडिया के सामने रखी और बॉलीवुड में डिस्पैरिटी का राग अलापा। एक्चुअली मणिकर्णिका की पूरी टीम फेमस डिजाइनर नीता लूला की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई क्रिसमस पार्टी का हिस्सा बनने पहुंची थी, लेकिन भाई जहां कंगना हो वहां कुछ तो कंट्रोवर्शियल होगा ही। कंगना से सबसे पहले तो डिजाइनर नीता और क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेशन को लेकर सवाल हुआ। कंगना ने भी इस पर अपना एक्साइटमेंट जाहिर किया। हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा दिन है कि हम सब क्रिसमस के ही बहाने से ही लेकिन वी कैन एंजॉय सम टाइम, क्योंकि हम लोग हमेशा ही इतना स्ट्रेस में मिलते हैं, वी डोंट गेट टू सॉर्ट ऑफ यू नो एंजॉय। इसके बाद कंगना ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन पर आवाज बुलंद की। कंगना ने काफी बिंदास होकर फिल्म के सेट पर होने वाले भेदभाव के बारे में बात की। आई थिंक टेक्नीशियंस डोंट गेट इनफ क्रेडिट, एक्टर्स सारा उनको बहुत ज़्यादा, आई थिंक उनको चाहे फाइनेंशियली देखो या उनका रिम्यूनरेशन का जो भी प्रोपोर्शन है बहुत डिसप्रोपोर्शन है, और स्पेशली मेल एक्टर्स जो कि 60% ऑफ द बजट जो है वो चार्ज करते हैं, समटाइम्स इवन 80% ऑफ द बजट ऑफ द फिल्म मेल एक्टर चार्जेस, और एंड टेक्नीशियंस डोंट गेट इनफ रिस्पेक्ट। यू नो द वे यूनिट में दो तरह के खाने आते हैं, एक यूनिट बी के लिए एक यूनिट ए के लिए, जो कि अपने आप में ही बहुत ही अब्सर्ड चीज़ है। जब एक यूनिट में काम कर रहे हैं तो दो तरह का खाना क्यों आता है। वेल, इस मौके पर फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी। छोटे पर्दे की एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे भी मणिकर्णिका से ही डेब्यू कर रही हैं। अंकिता झलकारी बाई के रोल में नजर आएंगी। सुनिए अपने रोल और नीता की ओर से डिजाइन किए गए ड्रेसेस को लेकर अंकिता कितनी एक्साइटेड हैं। आई गेस मणिकर्णिका इज ऑल अबाउट कॉस्ट्यूम, इट्स अ कॉस्ट्यूम ड्रामा, बिकॉज हिस्ट्री के कपड़े जो हमारे जो बनाए हैं नीता मैम ने, दे आर फैबुलस। आई मीन ही इज नीता लूला, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज हर, बट यू नो द वे शी हैज डिजाइन द होल लाइक हर किसी के कैरेक्टर के हिसाब से जो कपड़े बने हैं, इट इज फैंटास्टिक एंड शी इज सुपर्ब, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग अबाउट हर। आपको बता दें मणिकर्णिका स्टार्टिंग से ही कंट्रोवर्सीज में घिरी रही है, फिर वो चाहे डायरेक्शन की कमान संभालने की बात हो, फिल्म के बजट बढ़ाने को लेकर लास्ट मोमेंट में फिल्म में सॉन्ग ऐड करना हो, सोनू सूद का फिल्म से बैकआउट करना हो। हाल ही में फिल्म एक और कंट्रोवर्सी का शिकार हुई थी जब फिल्म में काम करने वाले कुछ वर्कर्स ने फिल्म मेकर्स पर उनके पेमेंट को रोकने का आरोप लगाया था। हालांकि इसको लेकर फिल्म मेकर्स ने सफाई दी थी और बताया था कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और उन्होंने किसी का पेमेंट नहीं रोका, सिर्फ एक एम्प्लॉय को छोड़कर, और वो भी किसी रीजन से। मणिकर्णिका को लेकर कंगना ने मेहनत तो बहुत की है, इसमें कोई डाउट नहीं, और शायद इसीलिए कंगना काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। सोर्सेज की माने तो ऋतिक की सुपर 30 भी मणिकर्णिका के साथ रिलीज होने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। पहले ही दोनों फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है, लेकिन विकास बहल के फिल्म से बाहर होने के बाद फिल्म के पैचवर्क को लेकर डाउट बना हुआ था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होंगी। कंगना और ऋतिक की कंट्रोवर्सी भी किसी से छिपी नहीं है, तो यानी दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं बल्कि पर्सनली भी ये फिल्म काफी मायने रखती है। वेल, बात इस सेलिब्रेशन की करें तो इसके बहाने सभी को फिल्म प्रमोट करने का मौका भी मिल गया। अब देखना होगा फिल्म को ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। मुंबई से मनीषा वतारे की रिपोर्ट E24।